कोविड महामारी के चलते अपने घरों को वापस आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार प्रयासरत है और इस दिशा में विभिन्न विभाग कार्य भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सेवायोजन कार्यालय भी प्रवासी मजदूरों को उनके स्किल के हिसाब से रोजगार उपलब्ध करा रहा है। वाराणसी में सेवायोजन कार्यालय द्वारा प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग कराई गई, जिसमें 5,03,832 प्रवासी श्रमिकों की मैपिंग कराई गई और इसमें 6,632 कुशल श्रमिक, 47,000 अकुशल श्रमिक हैं। सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक पीएस शुक्ला ने बताया कि कुशल श्रमिकों को सेवायोजन कार्यालय में सेवा मित्र ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और इनको प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रोजगार मेले के माध्यम से हमने अभी तक विभिन्न कंपनियों में लगभग 500 कुशल श्रमिकों को रोजगार दिलवाया है और अन्य कंपनियों में भी इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। वहीं अकुशल श्रमिकों को मनरेगा व अन्य कंस्ट्रक्शन के कार्यों में उनका उपयोग किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ घर वापस आ गया। बनारस में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय से हमें बनारस बीट्स में काम करने का मौका मिला, जिस कारण मैं बनारस बीट्स को और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मुंबई में लॉकडाउन के चलते यहाँ मुंबई पे आया था, सेवा आयोजन कार्यालय पे एप्लीकेशन किया था, उसके बाद बनारस बीट्स यहाँ पे हमको काम मिला है। हम बनारस बीट्स के सभी मैनेजर और मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मोदी सरकार और योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम राजीव राजभर है, मैं मुंबई से आया हूं, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूं। सेवा आयोग के ऑफिस से मेरे को फोन आया, मैं उधर जांच करा के इधर मेरे को काम पे बिजली के मिस्त्री के तौर पे काम के लिए रखा गया। मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि मैं परिवार में रहकर यहीं पे अपना भरण पोषण करूंगा। प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई गई जिला प्रशासन द्वारा। लगभग 53,832 प्रवासी श्रमिक जनपद वाराणसी में आए, जिनमें 6,632 कुशल श्रमिक और 47,200 अकुशल श्रमिक वाराणसी जनपद में आए हैं। जो कुशल श्रमिक हैं उनका हमारे यहाँ सेवायोजन कार्यालय में सेवा मित्र ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। कुशल श्रमिकों को रोजगार दिलाने में प्राथमिकता सेवायोजन कार्यालय द्वारा दी जा रही है। हमने अभी तक ऑनलाइन रोजगार मेले के माध्यम से लगभग 500 कुशल श्रमिकों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाया है। अकुशल श्रमिकों को मनरेगा तथा अन्य कंस्ट्रक्शन वर्क जो हैं उनमें काम दिलाया जा रहा है।